लाने तैयार होते हैं, अच्छे से 5 घंटे लेकर तैयार होते आते हैं, रोटी देने के लिए बड़ा बक्स होता है। बरसाने की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए हर जगह से लोग आते हैं। तो भाई साहब, ये है बरसाने की लठमार होली और हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन आज पिटने वाला है। यहाँ की परंपरा है कि लठमार होली में औरतें पुरुषों को लठ से या डंडे से मार कर होली खेलती हैं। तो हम आज हैं बरसाने में। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ होली बरसाना में खेलने जाते थे। तो बरसाना में राधा रानी व उनकी सखियां यानी कि गोपियां लठमार यानी कि लठ से मारती थी। जब ये लोग वहां जाते थे, रंग खेलते थे, तो लोग अपने बचाव में लठ का इस्तेमाल करती थी और डंडे से मारा करती थी और ये बच के ये लोग रंग खेला करते थे। उसी समय से बरसाने में इस लठमार होली की प्रचलन है और आप देख सकते हैं कि आज के दिन बरसाने में कितनी भीड़ रहती है। और बरसाने में ही नहीं, अगर आप मथुरा वृंदावन भी आज के दिन जाएंगे तो भी बहुत भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि अगर मथुरा वृंदावन बरसाना और गोकुल नंदगांव में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है तो वो है होली और कृष्ण जन्माष्टमी पर। होली की कुछ दिन पहले बरसाने की हुरियारने का मतलब होता है जो औरतें या महिलाएँ होली खेलती हैं उन्हें यहाँ पर हुरियारने कहा जाता है। तो बरसाने से नंदगांव जाती हैं निमंत्रण लेकर कि आप सब लोग यहाँ पे बरसाना में होली खेलने आए। इसके बाद वहाँ पे यानी कि नंदगांव में इनका निमंत्रण स्वीकार किया जाता है। फिर नंदगांव की हुरियारने यहाँ पे बरसाने में आती हैं और बरसाने में भी इनके निमंत्रण को स्वीकार किया जाता है। इसके बाद असली खेल शुरू होता है आज के दिन। और ये देखिए, नंदगांव के जितने भी छोरे हैं, जितने भी लोग हैं, सब के सब बरसाने की हुरियारनों के साथ होली खेलने आए हैं और यहाँ की हुरियारने लठ से वार करती हैं। और नंदगांव के ये जो आदमी, जो पुरुष दिखाई दे रहे हैं, ये बच बच के रंगों का इस्तेमाल करते हुए लठ के वार को सहते हुए होली खेलते हैं और इतना खूबसूरत ये माहौल लगता है। तो अगर आप भी बरसाने में होली खेलने आना चाहते हैं तो होली के एक दिन पहले आएं और एक दिन बाद होली के यहाँ से जाएं। और आने से पहले यहाँ पे होटल की बुकिंग की व्यवस्था देख लीजिए, क्योंकि आज के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। हालांकि कन्वेंस की व्यवस्था आपको मथुरा से भी मिल जाएगा, वृंदावन से भी मिल जाएगा, तो लोकल कन्वेंस यानी लोकल साधन की समस्या यहाँ पे नहीं होती। पर अगर आप अपने साधन से हैं तो और अच्छी बात है। आपको पूरे बरसाने में डंडे और ढाल की ही आवाज़ सुनाई दे रही होगी इस समय, और पूरा बरसाना इस समय गुलाल से भरा पड़ा है। तो ये है बरसाने की होली और कल हम आपको नंदगांव की होली दिखाएंगे। आपको श्री कृष्ण लीला यानी द्वापर के युग का पूरा झलक इस वृंदावन और बरसाने में दिखाई देगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।